ऑल इंडिया पर लखनऊ से उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर बोर्ड के सदस्यों ने जुफर अहमद फारूकी पर जताया विश्वास। जुफर अहमद फारूकी ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन पद पर जीत की लगाई हैट्रिक। इस बार कांटे की टक्कर में श्री फारूकी एक मत से चुनाव जीते। जुफर अहमद फारूकी को 6 मत मिले, जबकि सपा समर्थित प्रतिद्वंदी इमरान महबूद को 5 मत ही हासिल हो सके। चुनाव प्रक्रिया विशेष सचिव ऑब्जर्वर शिवाकांत द्विवेदी की देखरेख में संपन्न हुई। सीतापुर के लहरपुर कस्बे के रहने वाली जुफर अहमद फारूकी की सादगी और लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बसपा सरकार में वह उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने थे, सपा सरकार में भी बने रहे। अब भाजपा सरकार में भी चेयरमैन का पद बरकरार रखा है। तीसरी बार चेयरमैन बनने पर जुफर अहमद फारूकी को जीत की बधाई देने वालों में अकील अहमद एडवोकेट आसिफ, फिरोज खान, इस्लाम अब्बासी, रिजवान मिराज, अनीश मिर्जा आदि शामिल हैं। तो आपको फिर एक बार बता दें कि तीसरी बार जुफर अहमद फारूकी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन चुने गए हैं, या यूं कहें कि बसपा, सपा और भाजपा सरकार में जुफर अहमद फारूकी का जलवा बरकरार है। तीसरी बार चेयरमैन बने जाने पर उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।